और एक उनके पास जो ओवरसीज प्लेयर है वो है लमिचा ने, जो लेग स्पिनर है, और पिछले साल तो जी उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जैसे कि इंग्लैंड में स्कॉटलैंड और आयरलैंड के प्लेयर्स इंग्लैंड के लिए खेल सकते हैं, हाँ उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब भी कभी चाहे तो इंग्लैंड के लिए, अगर इंग्लैंड को अच्छा लगा स्कॉटलैंड और आयरलैंड का कोई प्लेयर है उसको इंग्लैंड में चूज सकते हैं। तो इंडिया भी शायद ऐसे नेपाल का कोई प्लेयर हो, अच्छा प्लेयर हो, तो उसको भी इंडिया क्यों नहीं चूज कर सकती। तो लमिचा में करना एक ऐसे, चाहिए। हाँ करना चाहिए, लमिचा में एक ऐसे लेग स्पिनर ऑलराउंडर है, वो शायद इंडिया के लिए भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल चलिरहँदा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको चर्चा हुनु स्वाभाविक नै हो। स्पोर्ट्स टकको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा भारतीय पूर्व कप्तान सुनिल गावस्करले नेपाली बलर सन्दीप लामिछाने इन्डियाबाट खेलेको भए भारतीय टोलीलाई थप मदत पुग्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। विक्रान्त गुप्तासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा गावस्करले आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड लगायतका खेलाडीहरू इङ्ल्यान्डबाट खेल्न हुने तर नेपाली खेलाडी चाहिँ नहुने भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेपाल भारतको छिमेकी पनि भएको र नेपालमा प्रतिभाको कमी नभएकाले दुवै देशको भविष्य राम्रो रहेको प्रतिक्रिया समेत उनको रहेको थियो। यस्तै उनले सन्दीप सम्मिलित दिल्ली डेयर डेबिल्सको यसपटकको आइपिएलको उपाधि जित्ने सम्भावना पनि निकै बढिरहेको बताएका छन्। दिल्ली डेयर डेबिल्समा सन्दीप लामिछाने लगायतका स्पिनरको कमी नरहेको अनि युवा प्रतिभाले भरिएकोले यसपटकको उपाधि चुम्नमा दिल्ली डेयर डेबिल्सलाई धेरै समय नलाग्ने र उत्कृष्ट सम्भावना रहेको उनको प्रतिक्रिया रहेको छ। दुबईमा शनिबारबाट आइपिएलको 13 संस्करण सुरु भएको छ। दिवान नेपालका लागि स्पोर्ट्स अपडेट।